मंडल में जाना दो का हमारा बनता भी है, यह हमारा प्रयास भी है और ये डिमांड भी है। गठबंधन ये बन रहा किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ। उनके पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है, तो इतना भिसभिसाहट क्यों हो रही है उनको? तो ये सब तो हम लोग कुलबुलाहट देख भी रहे हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कब होगा? सवाल काफ़ी तेजी से गूंज रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने बयान दिया था कि दो मंत्री कांग्रेस के भी बनेंगे और आरजेडी के भी बनेंगे। अब आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। सर, मंत्रिमंडल का विस्तार कब? अध्यक्ष महोदय ने यह बयान दिया था, दिया है और देंगे भी, क्योंकि यही ज़रूरी बात है। उस दिन जब मैं एक विस्तार हुआ, एक मंत्री की शपथ हुई, तो मैं वहाँ था। आप लोगों ने ये प्रश्न पूछा था और हम लोगों ने भी एक्सप्लेन किया था कि 23 के बाद इसका होना है, क्योंकि मुझे लगता है आसार इसके बन गए हैं और 23 के बाद ही होना है, क्योंकि 23 को तो शीर्ष नेतृत्व का बैठक है पूरे देश के, जिसमें कि हमारे माननीय ऑल इंडिया अध्यक्ष और राहुल गांधी जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। तो इसको तो होना है, और होना है तो हम लोगों ने दो की बात रखी है, और दो की बात जो रखी है उसको एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जाना दो का हमारा बनता भी है, यह हमारा प्रयास भी है और डिमांड भी है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब सब लोग मिलके बैठेंगे 23 को, यह भी इशू आएगा कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन साइड लाइन पे तो इस पर बात होगी। मेरी भी बात इस पर जो राजद है और जनता दल यू है, उनसे भी मेरी बात हुई इस सिलसिले में। क्या बात है? नहीं, हमने अपनी बात रखी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने अपनी यह जायज़ डिमांड रखी है। अगर लेफ्ट पार्टी इस गठबंधन में मंत्रिमंडल का हिस्सा होती और फिर उनके पास वो मंत्रिमंडल में वो लोग शामिल होते, तो शायद हो सकता था कि तीन का जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम लॉजिकल और जेन्युइन है। लेकिन मंत्रिमंडल में लेफ्ट पार्टी शामिल नहीं है, तो फिर हम लोग चाहें तो मिल करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, जीताराम मांझी अलग हो गए, उनके बेटे ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेडीयू के एक मंत्री तुरंत बन गए। आप लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि एक मंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, अब तक क्यों नहीं? नहीं, देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इस गठबंधन में आए तो हमको 6 महीने हुआ है, तो कोई लंबा ये नहीं है, और उसमें और भी लोगों के बनने हैं, तो चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन जो होना है उसको होना है। इसके बाद सवाल ये है कि जेडीयू के जो रत्नेश सदा है, वो तुरंत मंत्री बन गया इस्तीफा देने के बाद। उसका पस मंज़र कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि मांझी जी ने जिस तरह से किया था, और एक ऑलरेडी जनता दल यू के कोटे से वो गए थे, और जनता और एक विभिन्न पस मंज़र था उसमें, तो ये पस मंज़र उस वक्त बदला था, तो गठबंधन के तमाम लोगों से बात हुई, हम लोगों से बात हुई कि एक को करवा लेते हैं, क्योंकि नई नई कहानियाँ बना रहे थे हमारे आदरणीय मांझी जी, तो वो कहानियाँ भी नहीं बन पाए, तो वो हो गया, लेकिन ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस को अनदेखी किया जा रहा है महागठबंधन? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में नेशन वाइज चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, गठबंधन के धर्म को निभाने का पूरा प्रयास कर रही है, और हम लड़ रहे हैं। गठबंधन ये बन रहा किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ, उनके गवर्नेंस के खिलाफ, उनकी सरकार जिस व्यवस्था से चल रही है, अधिनायकवाद की स्थिति बना दी है देश में, आर्थिक गुलामी की तरफ हम लोगों को ढकेल दिया है, गरीब तरीन लोग होते चले जा रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक वैचारिक गठबंधन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह लीड में है, और बड़े पैमाने पर वो अपनी मेहनत मशक्क़त पर लगी हुई है। बिहार भी आना इसी मामले की एक कड़ी है। क्या लग रहा है, 23 तारीख को विपक्षी की बैठक है, तमाम बड़े नेता बिहार आएंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसीलिए राहुल गांधी? भारतीय जनता पार्टी के बयान का बहुत ज़्यादा कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उनके पेट में क्यों इतना दर्द हो रहा है? वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत हो जाएगा, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा, तो इतना भिसभिसाहट क्यों हो रही है उनको? नहीं होना चाहिए। वो अपना घर जो टूट रहा है, बिखर रहा है, और उनके नेताओं का भी आगमन हो रहा है, अनर्गल बयानात जारी होते चले जा रहे हैं, तो ये सब तो हम लोग कुलबुलाहट देख भी रहे हैं ना। कुलबुलाहट भयानक, हार रहे हैं ना। बिहार
से जो शुरुआत होगी वो बोलते हैं कि कॉफिन में नील, वो हालत है उनका बिहार से। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, पर जेडीयू के मंत्री तुरंत बने, कांग्रेस का देर क्यों, इस पर भी क्या कुछ कहा उन्होंने साफ शब्दों में बताया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ, धन्यवाद।